गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम सोनिका किचन। आज मैं आप लोग के लाई हूँ डेजर्ट जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनिका किचन। मैंने कस्टर्ड से मई बनाने के लिए एक फुल क्रीम बॉल मिल्क लिया है, एक चम्मच घी लिया है मैंने, दो चम्मच मैंने फ्रूट कस्टर्ड लिया है वेनिला का, दो चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है एंड वन पिंच ऑफ सेफ्रॉन लिया है और एक छोटा बॉल मैंने सेवई का लिया है। ये देखिए सेवइयां को हमें इसमें थोड़ा हल्का हल्का रोस्ट करना है। अगर रोस्ट वाली नहीं है तो भी आपको थोड़ा धीमे रोस्ट करना है, और अगर है तो भी और नहीं है तो भी। ये देखिए सेवई को हम भून करके हिलाते रहेंगे जिससे नीचे लग ना जाए। इसे अभी हल्का हल्का थोड़ा दो मिनट तक और रोस्ट करेंगे। सेवई को रोस्ट करने के लिए हमें घी बहुत थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, और रोस्ट करते रहेंगे। देखिए सेवई रोस्ट हो रही है। हमें गैस को बिल्कुल लो कर देना है और अब हमें दूध डालना है इसमें। हमने दूध डाल दिया है इसमें, अब हम इसको थोड़ा हिला देंगे। ये देखिए अब थोड़ी देर तक इसको गाढ़ा होने के लिए हल्की फ्लेम पर रख देंगे। ये मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया अलग से, जिसमें कि हम फूड कस्टर्ड एंड मिल्क पाउडर और ये सेफ्रॉन हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये सेफ्रॉन ऑप्शन है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ये देखिए अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जो पाउडर डाला है मैंने कस्टर्ड एंड सेफ्रॉन, अब अच्छे से इसको मिक्स करके मिल्क में डाल देंगे। मिल्क पाउडर हम इसलिए डालते हैं दूध को और गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए अब हम इसको मिल्क में मिक्स कर देंगे जिससे कि दूध जो है गाढ़ा हो जाए अच्छे से। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आएगा। ये देखिए इसमें मैंने सेवई अभी थोड़ी और डाली है रोस्ट करके, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी कम लग रही थी। ये देखिए मैंने देखिए तेज गैस कर दी है, जिसमें मैं लगातार जा रही हूँ जिससे कि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और सेवई बन जाएगी। यदि तेज गैस करने पर दूध बाहर उबलने लगे तो आप गैस थोड़ी लो कर दीजिए, और लेकिन साथ में हिलाते रहिए जिससे कि सेवइयां नीचे चिपके नहीं। ये देखिए हमारी कस्टर्ड सेवई अब तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ज्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे ही। ये देखिए अब इसे ठंडा करके हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए अब हम डाल देंगे, हम पहले डालना रह गया था हमसे, अब हमने अब डाल दी है और इसको हिला के रख देंगे। ये देखिए कस्टर्ड सेवइयां ले ली है मैंने, फ्रिज से निकाल ली है। ये थोड़ा ड्राई फ्रूट लिया मैंने, ये कल ही मैंने आइसक्रीम जमा के फ्रिज में रखी थी। ये मैंने थोड़ा अनार लिया है, ये चिया सीड्स लिए, ये हर्षिस सिरप लिया थोड़ा सा, और ये बाजार से मैंने रेडीमेड ब्राउनी मंगाई। देखिए ग्लास में पहले मैंने ब्राउनी की लेयर करी है। ये देखिए आप भी ऐसे डाल देंगे पहले ब्राउनी दोनों ग्लासों में, जैसे चाहे आप अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकते हैं, लेयर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले ब्राउनी डाल दी है, अब इसमें मैं थोड़े से अनार के दाने डाल दूंगी। अब मैं थोड़ा इस डाल दूंगी थोड़ी सी। ये देखिए अब मैं ये सेवइयां डाल दी गिलासों में। ये
आइसक्रीम मैंने इसमें डाल दी है। ये देखिए अब मैं आइसक्रीम निकाल के गिलासों से इसमें डाल दूंगी ऐसे। ये देखिए हमें डेकोरेट जितना अच्छा करेंगे उतना ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जो हम थोड़ा सर्व कर देंगे जिससे कि लुक आए। अब ये देखिए मैं हर चीज सिरप डाल रही हूँ क्योंकि खाने में कितना टेस्टी लगेगा आइसक्रीम विद कस्टर्ड सेवैया। ये देखिए ऐसे ही हम दूसरे ग्लास में भी ऐसे ही डाल देंगे। देखो बच्चों मैं क्या लाई हूँ। देखा मैंने कहा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये डिजर्ट। थैंक यू मैम। वेरी गुड।